हरिओम, सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में मैं सुशील कुमार शर्मा आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो भाई, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल का आइकन दबा लें। जब नया वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा और सबसे पहले आप हमारे वीडियो को देख सकेंगे। लेकिन वही लोग हमारे मेंबर बने। देखिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता। तो सब्सक्राइब करने जब फ्री है तो एक शर्त जरूर है कि अगर सब्सक्राइब करें तो रोज हमारे दो वीडियो आपको देखने, और सारे वीडियो देख डालिए। इससे क्या होगा कि कोई भी आपकी समस्या होगी इन सारे वीडियोज के अंदर आ जाएगी, और आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आपकी किस समस्या के लिए मैं वीडियो बनाऊं। नंबर व्हाट्सएप का हमारा मिल जाएगा, थंबनेल पर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, शीर्षक में भी मिल जाएगा, टाइटल में। तो उसकी आप चिंता न करें, कभी भी संपर्क कर सकते हैं, लेकिन फ़ोन ना करके आप व्हाट्सएप करें तो महान दया होगी। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे पास बहुत सारे लोग फ़ोन किया करते हैं कि गुरुजी कुछ ऐसा करो, शावर के मंत्र बताओ। तो सावर मंत्रों की मांग इसलिए लोग करते हैं कि सावर मंत्र होते हैं सर्व सुलभ, सावर मंत्र होते हैं अचूक, सावर मंत्र जल्दी सिद्ध होने वाले मंत्र होते हैं, और वैदिक मंत्रों की भांति इनमें बहुत ज्यादा तामझाम या बहुत सारे नियम पालन नहीं करने पड़ते। ठीक है, लेकिन इतना ध्यान रखें कि सावर मंत्र जितनी जल्दी सिद्ध होते हैं उतनी जल्दी इनका प्रभाव भी नष्ट हो जाता है। हर साल आपको सावर मंत्रों को होली या दीपावली को दोबारा सिद्ध करना पड़ता है। हालांकि अचूक होते हैं, जल्दी सिद्ध होते हैं, काम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए सावर मंत्रों का प्रयोग आप करें, और मैं सावर मंत्र आपको दे रहा हूँ। कई सावर मंत्र मैंने दिए भी हैं, और अब जिसका प्रयोग आपने किया होगा तो जरूर आपका लाभ होगा। सावर मंत्रों के बारे में प्रसिद्ध है कि नाथ संप्रदाय के ये मंत्र होते हैं। नाथ संप्रदाय वो संप्रदाय है जिसको महान गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने प्रेरित किया था। इनके जो गुरुदेव थे स्वामी मच्छिंद्रनाथ जी, मच्छिंद्रनाथ या मत्स्येंद्रनाथ जी, इन्होंने भगवान शिव को गुरु मान करके, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके सिद्ध पुरुष बने थे। तत्पश्चात इनके शिष्य बने गुरु गोरखनाथ जी। तो मत्स्येंद्रनाथ जी और गोरखनाथ जी ने मिलकर के इन सावर मंत्रों की रचना की, और भगवान शिव ने इनको मान्यता प्रदान की। भगवान शिव की इच्छा से, उनकी आज्ञा से ही इन मंत्रों की रचना हुई। हालांकि और लोगों ने भी सावर मंत्रों की रचना की है। ये अनगढ़ शब्दों से कभी इनका अर्थ होता है, कभी इनका अर्थ नहीं होता है। तो जो जिनका अर्थ नहीं होता है वो मंत्र, जिनका अर्थ होता है उनका मंत्र भी काम करता है, इसमें कोई शक नहीं है। अब बात आती है जिनमें बहुत सारी दुहाई और उल्टी सीधी बातें लिखी हों, दी गई हों, उन मंत्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें देवता को विकट आन दी जाती है और उसके लिए लगभग गाली के समान शब्दों का चयन किया जाता है। परंतु हम अगर उन देवताओं को पूज्य समझते हैं, पूज्य मानते हैं, तो इस प्रकार के मंत्रों का प्रयोग ना करें जो ज़्यादा विकटान दिए हुए हो। जैसे माता की सैया पर पैर धरे, माता का चूल्हा फाड़ करके लंगोटा करे, इस प्रकार के, है ना, तो नहीं करना चाहिए। ऐसे देवता उस समय तो आन के वसीभूत होकर के आपका काम कर देगा, परंतु इसका जो है दुष्परिणाम भी हो सकता है।
खैर बताना मेरा काम है, बाकी करना आपका काम है। आप अपने लाभ के लिए, अपने रोग मुक्ति के लिए कुछ भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। शावर मंत्रों में जब आपको रक्षा की जरूरत हो तो एक मंत्र मैं आज बता रहा हूँ, उसका प्रयोग करें। यह रक्षा मंत्र इतना पावरफुल है, कोई भी आप साधना कर रहे हो शावर की, वैदिक मंत्रों में इस रक्षा मंत्र का प्रयोग नहीं करते। अब जैसे रात को कहीं पर एकांत में आप हैं, कहीं पर रुक गए, कभी कभी आपको ऐसी जगह रुकना पड़ सकता है जहाँ पर निर्जन स्थान है, ठीक है ना? जैसे गांव के लोग हैं, खेतों में लेटना पड़ जाता है उनको। अब खेतों में तो सब प्रकार से सांप बिच्छू इत्यादि टहलते रहते हैं, जंगली जानवर टहलते रहते हैं, तो वहाँ पर इस मंत्र का प्रयोग करके चारों तरफ रेखा खींच लेनी चाहिए। और अगर किसी को कोई रोग है, उस रोग को मिटाने हेतु इस मंत्र से अपामार्ग की डंडी लेकर के, अपामार्ग यानी लटजीरा या औंगा जिसको कहते हैं, चिरचिटा भी कहते हैं, तो इस अपामार्ग की डंडी लेकर के जिसमें पत्तियां भी लगी हों और उसकी जो बाली होती है जिसमें जीरे जैसे तमाम लगे होते हैं, वो कटीले होते हैं, उसको थोड़ा सा उसके बीजों को हटा दें, नहीं तो वो लग जाएंगे, खून निकल सकता है, ठीक है। मंत्र पढ़ते हुए ऊपर से नीचे की ओर उसको झाड़ा दें तो उसका न समझ में आने वाला रोग भी ठीक होगा, उस मंत्र से झाड़ा दे दो। बाकी जैसे ही आप करते हैं कि उसको अपने आप को सुरक्षित करने के लिए करते हैं, तो चारों तरफ रेखा खींच लें साधना करने के लिए। चलते फिरते अगर सुरक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो मंत्र को पढ़ करके चारों दिशाओं में चुटकियां बजानी चाहिए, ठीक है ना? वैसे तो दसों दिशाओं में चुटकी बजाने का प्राविधान है, जैसे ये चार दिशाएं, इसके बाद चार दिशाएं और होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, है ना, इसके बाद ईशान आग्नेय नैऋत्य इत्यादि, जो ये और चार होती हैं, और आकाश पाताल। चारों तरफ को चुटकियां बजा करके मंत्र को 11 बार पढ़ ले, सुरक्षा प्राप्त होती है। अब इस मंत्र को सिद्ध करने की विधि क्या है? मंत्र को सिद्ध करने की विधि ये है, चलो मंत्र को सिद्ध करने की विधि बाद में बताते हैं, पहले मंत्र ही बताते हैं। तो मंत्र ये है, ओम नमो धरती माता धरती पिता, धरती धरे नधीर बाजे सिंगी, बाजे तरतरी आया गोरखनाथ, नीन का पूत मूंज का छड़ा लोहे का कड़ा, हमारी पीठ पीछे यति हनुमान खड़ा, शब्द साँचा फुरो मंत्री ईश्वर वाचा। तो इसको आप ऐसे करेंगे। अब इसको सिद्ध करने की विधि, सिद्ध आप कैसे करेंगे इस मंत्र को, वो बताता हूँ। रवि पुष्य योग मिले या गुरु पुष्य योग मिले, ठीक है, या सर्वार्थ सिद्धि योग हो, अमृत हो योग हो, इस प्रकार के योगों में आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। होली दीपावली तो प्रसिद्ध ही है, लेकिन अन्य तिथियों में भी आप कर सकते हैं, नवरात्रि में भी कर सकते हैं और गुप्त नवरात्रियों में भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, अगर इस आपके पास में काली हकीक की माला है जो किसी अन्य साधना में प्रयुक्त नहीं की गई है, काली हकीक की माला उसको लेंगे और उस पर आप 10 माला या 11 माला उसके कर लेंगे, ठीक है। तो जब 11 माला आप उसके कर लेंगे,
इसके बाद में उसका 108 बार आप हवन कर दें। हवन में जो हवन सामग्री होती है विधिवत बना करके उसमें हवन सामग्री से आप हवन कर दें। याद रखें कि जब इसका हवन करते हैं तो स्वाहा लगाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि स्वाहा जो वैदिक मंत्रों की प्रथा है, अगर किसी मंत्र में स्वाहा पहले से लगा हुआ है तो ठीक है, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है। आप केवल आहुतियां देते जाइए और वो मंत्र सिद्ध करते जाइए, हो जाएगा सिद्ध। तत्पश्चात इस माला को यदि आप पहन लेते हैं, काली हकीकी इस माला को पहन लेते हैं, तो फिर आपकी सुरक्षा सुनिश्चित हो जाती है। फिर आप कोई भी साधना करें, इस माला को पहने हुए हैं तो सुरक्षा अपने आप होती है। हालांकि 11 बार पढ़ करके चारों तरफ आप रेखा खींच लें, ठीक है, चाकू से खींच लें, पानी से खींच लें, ठीक है, लेकिन ये अगर माला आपके गले में पड़ी हुई है तो रक्षा स्वयमेव होती है। इस माला को पहनने का आपको एक लाभ ये भी मिलेगा कि कोई आदि व्याधि रोग इत्यादि आप पर आक्रमण नहीं करेगा। आप अगर चाहें तो इस माला की, इस मंत्र की रोज एक माला भी फेर सकते हैं। जितना ज्यादा जप हो जाएगा, जितना ज्यादा मंत्र का प्रयोग करेंगे, उतना ये मंत्र पावरफुल होता जाएगा, सशक्त होता जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस मंत्र को विधिवत सिद्ध कर लें, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय आध्यात्मिक ज्ञान। हर हर महादेव। हरि ओम श्री हरि।